हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास प्लस टू है और मैंने आपको प्ले करवाया था द मैन हु वुड नॉट गो टू हेवन। आज उसका हम थीम करेंगे। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द थीम दैट ऑल रिलीजियस प्रीचर्स हैड द विचेस गो टू हेवन एंड द व्रिप टू गो टू हेल। ये जो प्ले है वो इस थीम पे है कि जो परमात्मा की पूजा करता है, अच्छे काम करता है, वो तो स्वर्ग में जाता है और जो बुरे काम करता है वो नरक में जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपेक्ट दिस थीरी विदाउट क्वेश्चनिंग। बहुत सारे लोग बिना क्वेश्चन के इन बातों को मान लेते हैं। दीज पीपल, ऐसे लोग जो होते हैं वीक माइंड के होते हैं और गॉड से डरने वाले होते हैं। कुछ लोग इस थीरी पे विश्वास नहीं करते। दे आर स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स हैव टू स्ट्रगल इन देयर लाइफ। दे आर स्ट्रॉन्ग माइंडेड रेबल्स लाइक एल्टन। एल्टन की तरह उनका माइंड स्ट्रांग होता है। एल्टन है जो उसको स्वर्ग और एंजल्स पे यकीन नहीं होता। ही वॉन्ट्स टू नो वाई अर्थली क्रिएचर्स हैव टू स्ट्रगल इन दियर लाइफ्स। तो वो जानना चाहता है कि जो अर्थली क्रिएचर्स हैं, मतलब धरती पे रहने वाले जो जीव हैं, वो अपनी लाइफ के लिए इतनी स्ट्रगल क्यों करते हैं। द लुनेटिक लुनेटिक अल्टो को बुलाता है कि प्लेइंग द फूल गेट्स यू इन टू द हेवन वाइल वरिंग एंड क्रशिंग पुट यू इन हेल। उसको बताता है कि अगर तुम बुरे काम करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, अगर चिंता वगैरह करते रहोगे तो तुम नरक में चले जाओगे। द प्ले इज अ फैंटेसी है। इवेंट्स ऑफ द प्ले डू नॉट बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। ये जो इवेंट्स है ये आम जो आदमी औरत है उनके साथ बिलोंग नहीं करते। वी आर शोन द गेट मैन। हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं, उसमें गार्ड, एंजल गार्ड होता है जिसका नाम थ्रिल होता है। ह्यूमन बीइंग्स वहाँ पे एक एक करके अपने मौत के बाद आ रहे हैं। थ्रिल उनको स्टेप्स चढ़ने के लिए बोलता है ताकि वो स्वर्ग में जा सके। फर्स्ट एक लड़की आती है जो अपने लवर की वेट कर रही है बाहर खड़के। थ्रिल टेल्स हर टू क्लाइम द स्टेप्स लीडिंग टू हेवन। थ्रिल उसको कहता है कि तुम स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ो। लड़की उसकी बात मानती है और जल्दी ही वहाँ से गायब हो जाती है। अगला एल्टन आता है, वो फ्री थिंकर होता है। उसको स्वर्ग जैसी जगह पे विश्वास नहीं होता। वो वहाँ पे ही मस्ट बी ड्रीमिंग अबाउट समथिंग। वो किसी चीज़ के सपने ले रहा है। वो एंजल का ऑर्डर मानने के लिए मना कर देता है कि मैं स्वर्ग में नहीं जाऊँगा। द एंजल टेल्स हिम टू सिट साइड ऑन द बेंच। और एंजल उसको कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो साइड पर बेंच लेके बैठ जाओ। बॉबी नाइटिंगेल केम्स नेक्स्ट। उसके बाद बॉबी नाइटिंगेल आता है। ही फाइंड्स द प्लेस वेरी डिफरेंट। उसको ये जगह बहुत अजीब लगती है। ही इज़ इम्प्रेस्ड बाय एल्टन्स करेज। वो एल्टन के विचारों से बहुत प्रभावित होता है। उसके बाद मिसेस मगिन्स आती है वहाँ पे। वो बिलीव करती है कि इट इज़ हर हेल्थ दैट ही हैज़ हेयर। उसको लगता है कि ये मेरी हेल्थ है जो मुझको स्वर्ग में ले आई है। थ्रिल उसको कहता है कि तुम स्टेप चढ़ो। वो शी सेज ही डज नॉट लाइक पासिंग ऑन। वो कहते हैं वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। इनफैक्ट हर लाइफ हैज़ बीन पासिंग ऑन, चाहे मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। वो पर सीढ़ियाँ चढ़ने से मना कर देती है। वो एल्टन और नाइटिंगेल को ज्वाइन करके वहीं पे बैठ जाती है। वो थ्री है जो तीनों प्लान करने लग जाते हैं कि हम कैसे रिवोल्ट करें। देयर एंटर्स आर नन। फ्रेंड नन आती है। एंजल उसका नाम अपनी बुक पे लिख लेता है। शी फाइंड द प्लेस वेरी वंडरफुल। उसको ये जगह बहुत सुंदर लगती है। शी नोज देयर विल बी अ प्योरिफिकेशन बिफोर शी इज फिट टू एंटर द गेट ऑफ हेवन। वो अपने आप को प्योर करती है कि स्वर्ग में जाने से पहले वो अपने आप को प्योर कर ले। एल्टन और नाइटिंगेल के साथ मजाक करते हैं। वो स्टेप चढ़ जाती है। थ्रिल उसको अनग्रेस करता है जाने के लिए। नाइटिंगेल रशेस टू हर हेल्प। नाइटिंगेल उसकी स्टेप चढ़ने में हेल्प करता है। ही टेक्स हर इन हर आर्म। वो अपनी बाहों में उसको उठा लेता है और उसको बहुत ही प्यार से किस करता है। नन फील दैट शी इज़ क्रस्ट फॉर एवर। वो उसको लगता है कि मैं अंदर से टूट रही हूँ। मिसेज मॉफिन है जो कंसोल हर। वो उसको सहानुभूति देती है। उसके बाद बगशाव आता है। वो बहुत ही फैट लेडी है। शी वॉन्ट सम हेल्प। वो आगे जाने के लिए हेल्प चाहती है। एंजल जो होता है नाइटिंगेल को कहता है कि वो उसको हेल्प करे। ही विल बी ग्लैड टू टेक हर आर्म। वो बहुत खुश होता है उसकी हेल्प करता हुआ। सून बोथ दैम डिसअपियर आर्म इन मा। और दोनों ही अंदर चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट अपियर उसके बाद हार्लेट रेबिका आती है इन शूटिंग ड्रेस में। शी फील दैट, वो फील करते हैं कि उसके साथ कोई मिस्टेक हुई है। वो उसको लगता है कि ये स्वर्ग नहीं है। वो उसने सुसाइड किया था एंड स्टिल शी इज सेंट टू दिस प्लेस। उसको लगता है कि मैं सुसाइड के इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अल्टन टेजर दैस। अल्टन उसको कहता है कि ये स्वर्ग नहीं है। हरेट टेल द एंजल। वो एंजल को पूछ बोलती है शी वुड नॉट गो टू हेवन विदाउट हर डॉग। कहती है वो मैं अपने डॉग के बिना अंदर नहीं जाऊँगी।
मैकनल्टी उसके बाद आता है, थ्रिल रिकॉर्ड्स इज नेम, थ्रिल उसका नाम लिखता है, मैन सेज दैट इट इज़ अ ब्लेस दैट, वो मैन कहता है कि मुझको तो स्वर्ग में आ गया हूँ, देयर इज़ ऑल्सो हेल, मुझे लगता है ये हेल भी है, हिज कंसिस्टेंट प्रीचिंग हैज़ नॉट बीन इन वेन, कहता मेरी जो पूजा पाठ किए थे वो बर्बाद नहीं गए, वो एल्टन को स्वर्ग में देख के घबरा जाता है, दिस गिव्स हिम द इम्प्रेशन दैट द प्लेस इज हेल नॉट अ हेवन, उसको लगता है कि अगर एल्टन यहाँ पे है तो ये जगह स्वर्ग नहीं नरक है, ही इज़ फॉलोड बाय लेनेटिक, वो लेनेटिक को फॉलो करता है, ही कॉल्स थ्रिल अ नोइंग मैन, वो थ्रिल को एक नोइंग मैन कहता है, ही लाइक्स, ही टॉक्स लाइक अ परफेक्ट एंड परफेक्ट मैन, वो उसके साथ परफेक्ट आदमी की तरह बात करता है, बट वो प्रूफ करता है कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान है। लास्ट ऑफ ऑल कम्स अ यंग बॉय, एक यंग बॉय आता है, वो अपनी बिलव्ड मार्गरेट को मिलता है, मिलना चाहता है, वो जानता है कि वाई देयर इज़ नॉट सो मर्सी ऑन द, वो जानना चाहते हैं कि धरती पे इतने दुख क्यों हैं। थ्रिल उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो उसको हौसला देता है और ही सेज दैट द वर्ल्ड इज़ वेल ऑफ टीयर्स, वो कहता है कि जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। लास्ट में कंपेनियंस उनको डिवाइन विल को सबमिट करना पड़ता है, सभी जो बाहर खड़े थे उनको सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, एल्टन और लेनेटिक जो अकेले रह जाते हैं वो गेम में हार जाते हैं, एल्टन बिकेम्स अनवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग, एल्टन अपने आसपास भूल जाता है सब कुछ, ही बिकम्स हेल्पलेस बिफोर द पावर ऑफ फेथ, पावर ऑफ फेथ के आगे वो हार जाता है, लेनेटिक एंड एल्टन अपने आप को स्वर्ग में पाते हैं, इट अपीयर्स ऑल वेरी डिफिकल्ट टू देम, और ये सब कुछ उनके लिए बहुत अलग होता है। ठीक है, इस तरह से बेटा ये आपका थीम था, इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।